इस वीडियो में हम लोग फोर ऐसे स्टॉक्स के बारे में जानेंगे जो कि काफ़ी अच्छा ट्रेंडिंग मोमेंट पर है और आपको अभी खरीदना चाहिए कि नहीं। तो ये फोर स्टॉक्स अभी हॉट स्टॉक्स जैसा है। तो ये कौन कौन सा स्टॉक्स है मैं आपको सजेस्ट करूंगा बाय करने के लिए, एंड आपका जो टारगेट प्राइस रहेगा वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो कौन सा स्टॉक्स है, फर्स्ट स्टॉक्स मैं आपको बताऊँगा IRCTC के बारे में, सेकेंड स्टॉक्स जो रहेगा वो है टाटा केमिकल के बारे में, क्या उसका टारगेट प्राइस है 10 दिन में, नेक्स्ट 10 डेज़ के लिए, ठीक है। तो फर्स्ट IRCTC, देन मैं आपको बताऊंगा टाटा केमिकल के लिए, थर्ड जो रहेगा वो है ट्रीडेंट, बहुत ही हॉट स्टॉक्स ट्रीडेंट लिमिटेड के बारे में, और जो फोर्थ स्टॉक्स के बारे में मैं आपको बताऊँगा वो है जिंदल स्टील एंड पावर। जिंदल स्टील एंड पावर के बारे में मैं आपको बताऊँगा कि इसका कितना प्राइस हो सकता है टारगेट इन नेक्स्ट 10 डेज। तो दिवाली तक आपको ये स्टॉक्स बेच के निकल जाना है, आपको प्रॉफिट कमाना है, ठीक है। तो वीडियो को ज़रूर इन तक देखिए। तो देखिए फर्स्ट स्टॉक्स जो है आपके सामने है, मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ आपको, इंडियन रेलवे कैटरिंग टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड IRCTC का 200 से अभी बढ़ के ये जो स्टॉक्स है माय फ्रेंड, मैं आपको ऑलरेडी सजेस्ट किया था ये स्प्लिट हो या ना हो, ठीक है। स्प्लिट के भरोसे आप अगर वेट करोगे तो ठीक है, अगर नहीं वेट करना चाहते हो तो भी ठीक है, इसको कभी भी आप ले सकते हो। देखिए मैं आपको ये स्टॉक्स कब सजेस्ट किया था, जब 2000 के लेवल पर था तभी मैं आपको ये स्टॉक्स को सजेस्ट किया था 2000 लेवल पर। फिर मैं आपको बताया था कि ये 4300 गया जाएगा, तो 400 को भी ये पार किया गया। अभी दिवाली में जो इसका टारगेट रहेगा इसका है 4800 to 5000। यस, सो इसका 4800 to 5000 इसका टारगेट है नेक्स्ट 2 वीक्स के तक, ठीक है। तो इसको आप ज़रूर बाई कीजिए अगर आपके पास फंड है, और ये जब स्प्लिट हो जाएगा तब भी आप बाई कर सकते हो। हाँ, अगर आपके पास है ऑलरेडी स्टॉक्स तो क्या आप इसको बेच के प्रॉफिट कमा सकते हो? बिल्कुल आप इसको बेचिए मत, ठीक है, प्लीज़ होल्ड इट। ये आपको गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिला है अगर आपने बहुत ही कम दम में इसको शेयर को खरीदा है 2000-3000 पर, तो उसका भी मत बेचिए, ठीक है। 6000-7000-10000 भी जा सकता है, और इसमें डिविडेंड भर भर के देगा। और आपको पता है कि IRCTC का जो रेलवे स्ट्रक्चर है अभी सारे ऑपरेशन अभी मोड पर है, सारे अभी चालू हो रहा है, ठीक है। अभी धीरे धीरे इसका जो ऑपरेशन है फुल्ली ऑपरेशन हो जाएगा, ठीक है। और IRCTC का डिविडेंड बहुत अच्छा देता है, इसका स्प्लिट होने के बाद आपको बोनस भी मिल जाएगा 1:5, एंड ये स्टॉक्स बेहतरीन मौका है, तो प्लीज़ डोंट सेल इट। आपके पास है तो होल्ड कीजिए, आपके पास नहीं है तो बाई कीजिए। अगर आपको चाहते हैं कि ये स्प्लिट होने तक आप वेट कर रहे हो ना, आपको अभी बाई करना है तो कीजिए, आप स्प्लिट होने के बाद भी बाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये है फर्स्ट स्टॉक्स, मैं आपको टारगेट भी बता दिया। आज देखिए इसका स्टॉक का मूवमेंट, मार्केट कैपिटल 71,406 करोड़, आज करेंट प्राइस है स्टॉक का 4,463। आज डे का हाई एंड लो देखिए आप कितना गया था, 4,512 था, फिर 1,290 का, सॉरी 52 वीक्स एंड लो, ये है 52 वीक्स एंड लो आपको बता रहा हूँ मैं, तो 4,512 तक चला गया था। इसका जो डिविडेंड है ये भी बहुत अच्छा कंपनी देता है, एंड इसका स्टॉक का PE देखिए आप 265 है, तो बेहतरीन स्टॉक्स है आपको खरीदने के लिए फॉर लॉन्ग टर्म, इसको आप ज़रूर होल्ड कीजिए। इसका रैली देखिए, भयंकर गजब का रैली IRCTC से दिखाया है। नेक्स्ट स्टॉक्स टाटा केमिकल, मैंने आपको ऑलरेडी सजेस्ट किया था कि बेस्ट 5 स्टॉक्स ऑफ टाटा, आप अगर वो वीडियो नहीं देखे हो तो 2 दिन का पहले वो वीडियो है मैंने, जहाँ पे बोला था कि 5 बेस्ट टाटा कंपनी टाटा ग्रुप का शेयर्स आप कौन सा खरीद सकते हो, उसमें टाटा ग्रुप का भी शेयर्स का नाम है, टाटा केमिकल का भी, मैंने टाटा केमिकल उसमें से है, फिर आपके उसमें वो लिस्ट में है टाटा कंज्यूमर, ठीक है, TTML, टाटा के पास टाटा पावर, सारे के स्टॉक्स मैंने आपको बताया था खरीदने के लिए। और एक स्टॉक्स बताया था कि टाटा का जो स्टील भूषण स्टील लिमिटेड है BSL, वो भी खरीदने के लिए, तो इसमें ये लिस्ट में टाटा केमिकल भी था। तो अभी तक अगर आपने ख़रीदा नहीं है तो आप माय फ्रेंड जाइए और इसको अभी ग्रैब कीजिए। इसका मैं टारगेट प्राइस में आपको बता देता हूँ, मार्केट कैपिटल देखिए 24,532 करोड़ से भी ज़्यादा कंपनी है, करेंट प्राइस है 963 रुपीज़, यहाँ पे देखिए, ठीक है, हाई एंड लो
52 वीक्स हाई एंड लो देखिए यहाँ इस कंपनी का स्टॉक का, इसका 298 रुपीज़ से 981 हो गया 52 वीक्स में। आप समझ सकते हो कितना बढ़िया रिटर्न ये इन्वेस्टर्स को दे चुका है। और इसका ROE रिटर्न ऑन एम्प्लॉयड स्टॉक्स भी देखिए बेहतरीन है। आप इसको ज़रूर बाय कीजिए फॉर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। आप जितना मर्जी उस पर स्टॉक में आप निवेश कर सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए। अच्छा, इसमें टारगेट प्राइस क्या होगा माय फ्रेंड? टारगेट प्राइस इस स्टॉक्स का है जो शॉर्ट टर्म में 1000, ठीक है। ये एक हफ्ता में या फिर टू वीक्स में, नियर टू टू वीक्स आपको ये प्राइस देखने के लिए मिल जाएगा। तो 963 में अभी भी अगर आप बाई करते हो इस प्राइस में, तो एक हफ्ता दो हफ्ता में आपका प्राइस 1000 चला जाएगा। बट एज़ इट इज़ एज आई सेड मैं फिर से आपको रिपीट कर रहा हूँ, ये फ्राइडे तक मार्केट में काफ़ी वोलेटाइल रहेगा, ठीक है। काफ़ी वोलेटाइल रहेगा और काफ़ी यहाँ पे उतार चढ़ाव मार्केट में देखने के लिए मिल सकता है। तो ज़्यादा एग्रेसिव, ज़्यादा आपको ग्रीडी ना बने, ठीक है। इसमें ज़्यादा आपको फ्राइडे तक वोलेटाइल देखने के लिए मिलेगा, तो डिसिप्लिन वे से थोड़ा थोड़ा करके बाय कीजिए, ठीक है, इस फ्राइडे तक। क्योंकि जो RBI का मॉनिटरी पॉलिसी है, इसके चलते मार्केट में काफ़ी नर्वस बने रहेगा, इसके चलते आपको भी थोड़ा सा केयरफुल रहना है, ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक्स के बारे में हम लोग जानेंगे। नेक्स्ट स्टॉक्स ट्रिडेंट। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि जो दिवाली के पहले ये स्टॉक्स 50 रुपीज़ तक जा सकता है। तो काफ़ी सारे मुझे क्वेश्चन मिला है, सर दिवाली तक 50 रुपीज़ चला जाएगा? बिलीव ही नहीं हो रहा था काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स को। तो मैंने जब वीडियो बनाता हूँ, मैं रिसर्च करके बनाता हूँ, और ये जो ट्रिडेंट लिमिट है, अगर 50 रुपीज़ भी नहीं पहुँचता है तो मैं आपको बता दूँ ये मल्टीबैगर बनेगा, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म इसमें होल्ड कीजिए आप, और इसमें आप ज़रूर इन्वेस्ट कीजिए। अगर आपके पास है तो बिल्कुल बेचिए मत, होल्ड इट फॉर लॉन्ग टर्म, ठीक है। अभी आपको 39 रुपीज़ मिल रहा है, कल आपको 49 रुपीज़ मिलेगा, फिर 69 रुपीज़ मिलेगा, ऐसे 100 रुपीज़ चला जाएगा, ठीक है। तो अभी आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो गया, बेच के निकल जाइए, ये गलती मत करें, ठीक है। ज़्यादा लंबे समय तक आपको अगर निवेश करना है तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। कंपनी का थोड़ा डेटा हम लोग देखेंगे। आज देखिए 34 रुपीज़ का स्टॉक्स का आज चला गया था प्राइस, ठीक है। इसका टारगेट मैंने कितना बताया था दिवाली तक? 50 रुपीज़। तो ये उसी तरफ जा रहा है, ठीक है। हो सकता है मार्केट में थोड़ा सा करेक्शन हो, जैसे आज 500 से ज़्यादा सेंसेक्स गिर चुका है, तो ये भी थोड़ा डाउन हो सकता है, पर लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक्स आपको ज़रूर अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकता है। कंपनी का मार्केट कैपिटल कोई छोटा मोटा कंपनी नहीं है, 17,300 करोड़ से भी ज़्यादा मार्केट कैपिटल है। इसका 52 वीक्स हाई एंड लो देखिए, इंटरेस्टिंग है, 7 रुपीज़ से 34 रुपीज़, कितना गुना रिटर्न कंपनी ने दिया है। इसका रिटर्न ऑन इक्विटी देखिए 10% से भी ज़्यादा, स्टॉक्स पी रेशियो 33%, बेहतरीन कंपनी है फॉर लॉन्ग टर्म। अगर आपके पास है बिल्कुल होल्ड कीजिए, मैंने इसको शॉर्ट टर्म में टारगेट भी आपको बता दिया। नेक्स्ट स्टॉक्स के बारे में जानेंगे, जिंदल स्टील एंड पावर। जिंदल स्टील एंड पावर का जो टारगेट प्राइस है मैं आपको बताऊंगा। जिंदल स्टील एंड पावर का अभी जो करेंट प्राइस चल रहा है, आप थोड़ा देखिए इसको, डेटा देखने के बाद ही आपको पता चलेगा, आपको रिसर्च करने में थोड़ा सा इजी होगा। करेंट प्राइस कितना चल रहा है? 410। ये 422 रुपीज़ से नीचे आया है आज, ठीक है। मार्केट में, ओवरऑल मार्केट में आज डाउन था, तो इसीलिए ये स्टॉक्स भी डाउन होके ये आ गया। इसका टारगेट क्या होगा? 450 रुपीज़, ठीक है। 450 रुपीज़ इन टू वीक्स आपको नेक्स्ट 15 डेज में ये प्राइस देखने के लिए मिल सकता है। तो अभी आपको खरीदने के लिए मौका है, दिवाली तक ये 480 भी क्रॉस कर सकता है, ठीक है। बहुत बेहतरीन कंपनी है, मार्केट कैपिटल देखिए 441,788 करोड़ का कंपनी है माय फ्रेंड। कोई छोटा मोटा कंपनी जिंदल स्टील एंड पावर कंपनी नहीं है। टाटा कंपनी के बाद कोई अगर भरोसेमंद स्टील कंपनी का नाम आता है वह जिंदल का, ठीक है। तो देखिए हाई एंड लो, 52 वीक्स हाई एंड लो देखिए, 179 रुपीज़ से 502 रुपीज़ तक चला गया था स्टॉक्स। कितना बढ़िया रिटर्न ऑलरेडी इन्वेस्टर्स को दिया है, रिटर्न ऑन इक्विटी 14% से भी ज़्यादा है, एंड स्टॉक पी रेशियो है 11%। बेहतरीन कंपनी है फॉर लॉन्ग टर्म, और इसका मूवमेंट जो है ट्रेंडिंग मूवमेंट, इसको पकड़ना है आपको, ठीक है। जो स्टॉक्स का जो रफ्तार है ना, उसको समझना पड़ेगा आपको। तो ये नेक्स्ट जो टू वीक्स है, इसमें आपको बहुत ही ज़्यादा 450 रुपीज़ तक अभी आपको रिटर्न दे सकता है। जैसे मैंने आपको बताया मार्केट में काफ़ी वोलेटाइल रहेगा ये फ्राइडे तक,
बट आपको थोड़ा टाइम के लिए पेशेंस रखना है, ठीक है। पेशेंस रखेंगे तो आपको पैसा बनेगा, पेशेंस नहीं रखेंगे तो आपको छोटा मोटा पैसा लेके निकल सकते हैं। हाँ, आपका टारगेट ज़रूर होना चाहिए कि आपका कितना परसेंटेज तक मुनाफा देना है, लेना है। बट अगर आप कोई भी स्टॉक्स में लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करते हो तो उसमें अच्छा खासा रिटर्न मिलता है, खास करके जो क्वालिटी स्टॉक्स है, ठीक है। तो ये जो मैंने चार कंपनी का स्टॉक्स बताया, कोई भी फालतू कंपनी नहीं है, सारे के सारे क्वालिटी स्टॉक्स है। फर्स्ट IRCTC, मैंने आपको कितना टारगेट बताया, 5000 का टारगेट। नेक्स्ट जो मैंने आपको बताया वो है आपका टाटा केमिकल, कितना आपको मैंने बताया टाटा केमिकल का टारगेट, उसके लिए मैंने बताया आपको 1000, ठीक है। थोड़ा लिख के रख सकते हो आप लोग। ट्रिडेंट, मैंने ऑलरेडी वीडियो बना था जिसमें जो ट्रिडेंट का उस टाइम प्राइस था 24 रुपीज़, आज देखिए 34 रुपीज़ हो गया, 50 रुपीज़ इसका टारगेट। फिर जो स्टॉक्स है, मैंने और एक स्टॉक्स आपको बताया, जिंदल स्टील एंड पावर, कितना प्राइस मैंने आपको बताया, वो है 450 रुपीज़ प्लस। तो ये चारों स्टॉक्स पर आपको नज़र रखना चाहिए और ट्रेंड को पकड़ना है, ठीक है। ऐसे नहीं कि कोई भी स्टॉक्स को आपने चुन लिया तो रैली को आप सोच रहे हो कि भाई मार्केट तो अप जा रहा है तो कोई भी स्टॉक को नहीं, ठीक है। आपको स्टॉक को थोड़ा रिसर्च करना है, ठीक है। आपको स्टॉक का मूवमेंट को 2-3 दिन तक देखना है, फिर वहाँ पर जाकर निवेश करें, ठीक है। वीडियो को अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। फर्स्ट टाइम चैनल में है तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड सपोर्ट टू द चैनल। अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब किए हो तो यू कैन ज्वाइन एज चैनल मेंबर, आपको बहुत ही बढ़िया बेनिफिट वहाँ पे मिलता है चैनल मेंबर्स में होने के लिए। एंड अगर आपके पास डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है, आप ओपन करना चाहते हैं, तो आप स्टॉक्स में फ्री में डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन हो रहा है विथ 0 ब्रोकरेज चार्जेस। तो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आपका डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपनिंग का लिंक, वहाँ पर जाके आप क्लिक करके अपना डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट फ्री में ओपन कर सकते हैं। अगर आपको कोई स्पेशल पाना है, कोई भी क्वेश्चन है, इश्यूज है, तो यू कैन ऑलवेज राइट इन कमेंट सेक्शन। बट आपको कुछ स्पेशल 1-to-1 आपको क्लास करना है, ऑनलाइन क्लासेस, तो यू कैन ज्वाइन ऑनलाइन क्लासेस ऑल्सो। HDFC सिक्योरिटीज रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, इश्यूज है, तो उसका भी लिंक एंड डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, चाहो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ इन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।